everyone, my name is Jazzy and in this video I am going to explain question number 5 of exercise 6.4 and the question is find the least number which must be added to each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. Question mein kya given hai hame ki ye jo bhi number hai ye perfect square nahi hai. इस नंबर में कोई लीस्ट नंबर को ऐड कर इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. ओके तो कैसे करेंगे, अगेन इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे एंड तब चेक करेंगे कि लीस्ट नंबर क्या है जिसको इसके साथ ऐड करने से ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके एंड देन उस परफेक्ट स्क्वायर का भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ओके तो करते हैं, पहले इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. 5 20 5 पेयरिंग करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड करेंगे. ओके तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से 2 जा 4 माइनस करेंगे 125 हो जाएगा. ओके एंड न्यू डिवाइजर इज 4 राइट. अब यहां पर देखिए 4 3 जा 12 3 टाइम कर सकते हैं बट 3 करने से 43 इंटू 3 होगा और वो इससे बड़ा होगा. ठीक तो क्या करेंगे, इसलिए हम 2 टाइम करेंगे, 2 जा 4 इंटू 4 जा 8 84 माइनस करेंगे 1 एंड 4 तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 41. ओके तो यहां पर आएगा रिमाइंडर इज 41. तो 41 रिमाइंडर आने से क्या शो होता है कि ये जो नंबर है ये 22 के स्क्वायर से कितना बड़ा है, 41. ओके तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको इसके साथ प्लस करने से ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है तो क्या करेंगे, 22 का स्क्वायर इससे छोटा है. ठीक लिखा है इट रिप्रेजेंट दैट स्क्वायर ऑफ 22 इज लेस देन 525. ओके ये जो अभी हमने किया इससे यही तो शो होता है कि 22 का जो स्क्वायर है वो 525 से छोटा है. ठीक है आगे स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट नंबर, अब 22 का तो छोटा हो गया इससे तो 23 है नेक्स्ट नंबर और 23 का कितना हो जाएगा, 23. तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 इंटू 23 हम करेंगे, 3 जा 9 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6 2 2 जा 4 9 2 5 क्या आ गया, 529. ओके 23 का क्या है, इससे बड़ा है. ओके तो अगर हेंस नंबर टू बी एडेड, अब नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो ये स्क्वायर आया है इससे 529 से जो हमारा गिवन नंबर है इसको हम माइनस कर देंगे. ठीक है तो कितना आ जाएगा यहां से, 4. ओके और 4 क्या है, वो लीस्ट नंबर है जिसको इसके साथ प्लस करने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है तो न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नंबर इज 525 प्लस 4 इक्वल्स टू 529. ओके 529 वो न्यू नंबर है जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर. ठीक अब इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है तो कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू 23 राइट. तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, 23 एंड 4. ओके आई होप समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट 1750 करते हैं इसका भी स्क्वायर रूट. 1750 पहले पेयरिंग करेंगे. ओके 17 है मतलब 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16 150 भी नीचे आ जाएगा राइट. नेक्स्ट न्यू डिवाइजर इज 8 4 2 जा 8. ओके अब 8 से इसको हम चेक करेंगे तो 8 2 जा 16 बड़ा हो जाता है इसलिए 1 टाइम जाएगा तो कितना आ गया, 81 माइनस करेंगे देन 9 एंड 14 माइनस 8 इज 6 तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 69. ओके और ये क्या शो करता है कि स्क्वायर ऑफ 41 इज लेस देन
1750, इसलिए नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू 42, ओके। और 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 42 इक्वल्स टू, हम फाइंड करते हैं, 42 इंटू 42, 2 2 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16, 4 6 7 1, ओके। तो क्या आ गया, 1764, ठीक। अब इससे अगर हम जो ये गिवन नंबर है इसको माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर फाइंड करेंगे, लीस्ट नंबर इक्वल्स टू 1764 माइनस 1750 एंड इट विल बी 4114, राइट। मींस 14 को अगर हम इसके साथ प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। तो निकालेंगे न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1750 प्लस 14, 1764, ओके। और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 42। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू 42, तो आंसर हमारे 42 एंड 14 हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट 252 करते हैं इसका भी फाइंड। पहले स्क्वायर रूट 252 पेयरिंग करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 1 1 1, माइनस करेंगे 152 बन जाएगा और न्यू डिवाइजर इज 2, ओके। यहां पर क्या आएगा, देखिए 2 7 14 होता है तो 7 टाइम देखते हैं, 7 7 49, 9 4 कैरी ओवर, 7 2 14 प्लस 4 is 18, दैट मीन्स 7 टाइम ये बड़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको, 6 टाइम, ठीक है, और 6 6 36, 6 here 3 कैरी ओवर, 6 2 12 प्लस 3 is 15, ये भी बड़ा है, ओके। तो करते हैं 5 टाइम्स, 5 and here 5, एंड यहां पर हमारा क्या आएगा, 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 10 प्लस 2 is 12, ये छोटा है तो 5 टाइम ये कंप्लीटली गया। सो यहां माइनस करेंगे तो आएगा 7 and 2, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 27, एंड ये क्या शो करता है कि 15 का जो स्क्वायर है वो इससे 27 छोटा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नया नंबर, न्यू नंबर, और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 15 का नेक्स्ट इज 16, ओके। हियर 15 स्क्वायर इज लेस देन 252, ओके। नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू 16, ओके, एंड 16 का स्क्वायर इज 256, ओके। तो लीस्ट नंबर क्या आ जाएगा, लीस्ट नंबर इक्वल्स टू 256 माइनस 252 एंड इट विल बी 4, ओके। ये 4 क्या है कि अगर 4 को हम इसके साथ प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो करते हैं न्यू नंबर इक्वल्स टू 252 प्लस 4 इक्वल्स टू 256 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल्स टू 16, ओके। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, 16 and 4, ओके। आई होप ये भी समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट 1825 करते हैं इसका भी स्क्वायर रूट, 1825 पहले पेयरिंग करेंगे, ओके। नाउ ये 4 टाइम जाएगा, 4 4 16, रिमाइंडर क-
कितना आएगा यहाँ पर 2 एंड 2 5, न्यू डिवाइजर इज 8, राइट। अब 8 से चेक करते हैं इसको, तो कितनी बार जा सकता है, 8 2 जा 16, 2 टाइम ट्राई करते हैं, 2, 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस देन 1 एंड 6, 61 हमारा क्या जाता है, रिमाइंडर इज 61, ओके। एंड ये क्या शो करता है, इट शोज 42 का स्क्वायर क्या है, इज लेस देन 1825, इसलिए नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू 43 एंड स्क्वायर ऑफ 43 इक्वल्स टू, फाइंड कर लेते हैं 43 का स्क्वायर, 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, प्लस 1 इज 17, 9 4 8 1, क्या आया 1849, ठीक है। अब ये हमें मिल गया, तो यहां से हम लीस्ट नंबर फाइंड कर लेंगे, तो लीस्ट नंबर इक्वल्स टू 1849 माइनस 1825, ओके। और क्या आ जाएगा यहां से, 4 एंड 2, 24, तो एक आंसर हमारा क्या आ गया, 24, मींस 24 को अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यू नंबर इक्वल्स टू 1825 प्लस 24 इक्वल्स टू 4981, और इसका स्क्वायर रूट 1849 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा, 43, ओके। तो आंसर हमारे क्या है, 24 एंड 43, ओके। नाउ नेक्स्ट 6412 फाइंड करते हैं इसका भी, 6412 पहले पेयरिंग करेंगे, तो देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 8 जा 64, 12 रिमेनिंग एंड 8 2 जा 16, तो देखिए ये ऐसे ही बड़ा है, यहां पर हम 1 भी लेंगे तो भी ये इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम 0 लेंगे, ठीक है, और यहां पर 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 12, ओके। रिमाइंडर इज 12 एंड ये क्या शो करता है कि 80 का जो स्क्वायर है ये लेस देन है 6412 से, राइट। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू 81, ओके, और इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 81 इक्वल्स टू, फाइंड कर लेते हैं, 81 इंटू 81 18, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1656, ओके, क्या आ गया, 6561, राइट। एंड अब हम यहां से लीस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो लीस्ट नंबर इक्वल्स टू 6561 माइनस 6412 एंड इट विल बी 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2 इज 9, 5 माइनस 1 इज 4 एंड 49, ठीक है। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है, न्यू नंबर इक्वल्स टू 6412 प्लस 49, दैट विल बी 6561 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इक्वल्स टू क्या था, 81, ओके। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ आया होगा, समझ आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, थैंक यू।